गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 4। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो हमारा इससे पीछे का था, ठीक है। और आज जो है हम चैप्टर नंबर 31 पढ़ेंगे। हम ऑफलाइन में 30 चैप्टर पढ़ चुके हैं, आज हमारा 31 चैप्टर है स्पॉट्स सिंबॉल्स। ओके, स्पॉट्स मीन्स खेल और सिंबॉल मीन्स उसका कुछ लोगो, उसका कुछ लोगो है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। तो बच्चों, हमारा टॉपिक है डिफरेंट सिंबॉल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट गेम। इसके लिए आपको बुक देखना होगा और बुक में आप देखिए कि आपके बुक में दिया गया है सिंबल। सिंबॉल्स जो है वो यहाँ बने हुए हैं और यहाँ कह रहा है सिंबॉल होता है, ठीक है। तो अब हम बुक में देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारा 1 नंबर है, यहाँ दौड़ने का सिंबॉल है। इस सिंबॉल को हम फुटबॉल के नाम से जानते हैं, इसको हम फुटबॉल के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ लिखा है 1 नंबर में फुटबॉल। आप यहाँ से सिंबॉल देखकर इसको भरेंगे तो 2 में है आपका वेट लिफ्टिंग। यहाँ एक आदमी भारी वेट जो है, मशीन जो है वो उठाए हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेट लिफ्टिंग। ओके, देन थर्ड में ये सोया हुआ है, ये सोया हुआ नहीं है, एक्चुअली ये नीचे स्विमिंग कर रहा है, ये तैराकी कर रहा है पानी में, ठीक है। तो बच्चों, आप यहाँ पे सिंबॉल देखकर और यहाँ से भर लीजिए। देन 4 में साइकिल, यहाँ साइकिल की चित्र बनी हुई है और इसके साथ एक आदमी साइकिलिंग कर रहा है, तो ये हो गया आपका साइकिलिंग। देन 5 बेसबॉल, ये जो है ये बेसबॉल का पिक्चर है, इसमें छोटा सा बॉल है और एक आदमी खेल रहा है, तो ये हो गया बेसबॉल। देन 6 इज बास्केटबॉल, यहाँ 6 है और ये आदमी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो ये क्या हो गया, बास्केटबॉल। देन 7 इज आर्चरी, ये एक गेम है बच्चों जो ऐसे करके खेला जाता है, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर बना हुआ है, आप इसे देख सकते हैं और ये तीर मारने का गेम है। इसमें हम क्या उसको बोलते हैं, ब्रो, धनुष के साथ खेलते हैं, ठीक है। देन 8 में गोल्फ, ये जो है ये गोल्फ है, ये इस गेम को हम गोल्फ के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट एंड लास्ट इज 9 नंबर बैडमिंटन। ओके, ये जो है ये बैडमिंटन है, क्योंकि आप सभी के मौसम में सभी घर पे खेलते होंगे। तो बच्चों, ये था आपका सिंबॉल्स। इस सिंबॉल्स को अपनी कॉपी में ड्रॉ करिएगा, ठीक है। इसके लिए आपको मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, इस वीडियो को देखकर आपको उसमें से क्वेश्चन लिख लेना है सुनने के बाद। तो आप इसमें लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ डिफरेंट सिंबल्स, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ डिफरेंट सिंबल्स एंड नेम देम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसको आपको लिख लेना है और ड्रॉ करना है फोटो, उसके नीचे उसका नेम लिख लेना है। बस एक ही क्वेश्चन आप लिखेंगे और शाम को 7 से 8 जब ग्रुप खुलेगी तो आप ग्रुप में उस क्वेश्चन को बनाकर सेंड करेंगे, ठीक है। दैट इज क्लियर। सभी बच्चे अपना नेम क्लास रोल नंबर लिखिएगा, बहुत से कॉपी ऐसे भी आते हैं जिसमें नेम रोल नंबर क्लास नहीं लिखा होगा।